अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। आज आठवां रोज़ा है, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं। रमजान के आगे का एक दिन का वीडियो है ये, तो ये वीडियो अभी डाल रही हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, आम का अचार बना रही हूँ, कच्ची आमिनी का, तो बहुत अच्छा लगता है। पहले भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, होममेड बना के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज आमिनी मिल गई थी मार्केट में, तो लेके आके उसकी चटनी बना रही हूँ। यहाँ देखिए, मसाले सब ऑयल ठंडा करके डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें कच्ची आम को तुरुप के रखी हूँ ना, वो भी मिक्स कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के सब रमज़ान के रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं। माह रमज़ान में खासकर रोज़े और दुआ जो भी हम मांगते हैं वही कबूल होते हैं। अल्लाह ताला सबको रोज़े रहने की तौफीक अता फरमान दे, हर रोज़दार की दुआ कबूल होने दे। या अल्लाह सबके घरों में बरकत की तौफीक अता फरमान दे। जिन जिन के घर में सहूलत है, जिनके घर में नहीं है, थोड़ा बहुत उनको भी हेल्प कीजिए, करना चाहिए माह रमज़ान में। सबका में सबके घर में क्या है क्या नहीं देखना चाहिए। अल्लाह हमने थोड़ी बहुत सहूलत दी है तो सब चार लोग का ख्याल करना चाहिए। इसमें मैं बिरयानी बनाई थी बहुत। तो घर का काम थोड़ा सा ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं डीमार्ट आई थी, तो साथ में कोई आंटी पूछ रहे थे ये चावल अच्छे हैं क्या घर के, तो उनको भी मैं यहाँ दिखा रही थी। तो मीठा बनाने या बिरयानी बनाने ये चावल बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए ले रही हूँ मैं बासमती राइस। यहाँ पर देखिए सोना मसूरी भी थे, तो डीमार्ट में ये बहुत अच्छे मिल रहे थे, 84 रुपीज़ शायद। तो इसलिए यहाँ पर फुल रश भी था। संडे के दिन का दिन तो भी डीमार्ट नहीं जाना चाहिए, फुल रश रहता है। साथ साथ में जो कुछ चीज़ें चाहिए आराम से ले सकते, लेकिन बिलिंग की जगह बहुत रश था आज का दिन। तो क्या करना बोल के थोड़ा बहुत ले रही हूँ। अभी आ चुकी हूँ तो खाली तो नहीं जाऊँगी ना। देखिए यहाँ पर कितना रश है, तो वेटिंग पे खड़े हैं हम लोग बिलिंग के लिए कब जाना बोल के। मेरे पीछे भी बहुत सारा क्यू था, तो मैं ये ज़िद्दी हूँ कि मैं बिल डलाई तक बाहर नहीं जाऊँगी बोल के खड़ गई थी। यहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही ले रही हूँ। अल्लाह ताला हमने सहूलत देखे हैं, हम अच्छे चीज़ों से या पैसों से हमें नवाजे हैं। अल्लाह ताला थोड़े बहुत जो लोग को सहूलत नहीं रहती उनके बारे में भी सोचना चाहिए, हमारे हाथ से कितना होता है उनके लिए भी करना चाहिए। तो ये इस तरह से डीमार्ट में पेपर का कवर डालती हूँ, पूरे चावल मेरे चले गए। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कवर फट गया है, वो मैंने भी नहीं देखा था, तो पूरे रास्ते में चावल चले गए। यहाँ पर देखिए इसके लिए भी उतना लंबा क्यों, अभी धूप काला चल रहा है, पानी की सोच तो लगती है। तो एक ही फ्लेवर था चॉकलेट का, तो मुझे आप इंस्टा में भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर देखिए तो आप मुझे पता नहीं क्यों कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कमेंट नहीं करते। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आपके लिए खासो खास डालती हूँ, कमेंट नहीं करे तो मुझे बहुत बेजार हो जाता है। प्लीज़ आप कमेंट करिए। तो डीमार्ट का काम मेरा ख़त्म हो गया था। यहाँ पर फंसारी का दुकान यानी कि सब कुछ यहाँ पर मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत लेने के लिए आई हूँ। ये दुकान बहुत अच्छा है, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। जो चीज़ डीमार्ट में नहीं मिलती वो यहाँ पर मिलती है। वही साथ साथ मैं ये भी साथ में लेके जाऊँगी बोल के वो भी ले रही हूँ। रमज़ान या धुपका लाता है ना, तो हर चीज़ एकदम से ले लेना चाहिए, बार बार जाके नहीं ला सकते हम। दो भी 10 ग्राम तुम्हारा होगा। तो माशाल्लाह से मैं अभी रमज़ान में रोज़े रहने से मीठा खाना बहुत ज़रूरी है, गला नहीं सूखता है। और आश बनाते हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत ले रही हूँ।
अभी रमज़ान क्या शॉपिंग कर रही हूँ मैं, सब कुछ जो जो ज़रूरत की चीज़ चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर ले रही हूँ। ऐसे करते वैसे करते देखिए 1000 रुपये बिल कर दा लेनो दुकान वाले। अच्छा कोई बात नहीं, जो भी ले रहे हैं घर के लिए ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेना चाहिए रमज़ान। तो खजूर भी बहुत अच्छे आए थे इनके दुकान में। देखिए यहाँ पर मैं मखाने भी लेके आई हूँ। ये साल में एक बार ऐसा महीना है कि जितना भी शॉपिंग करो कमी है, और पकाइए सबको खिलाइए, रोज़दार को बांटिए। तो मीठा मैं बहुत बना के बांटती हूँ माशाल्लाह। बोलना नहीं चाहिए कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं क्या भी करती हूँ मेरे गुनाह माफ़ करने के लिए करती हूँ, वो दिखावा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं कोई दिखावे का काम वीडियो नहीं बनाती हूँ। चिकन मसाला फालूदा, रेडीमेड फालूदा लेके आए, कोसी कम लेके फालूदा भी लेके आई हूँ मैं स्ट्रॉबेरी का। 1 लीटर दूध में हम इसे बनाएंगे कल। और पहला रोज़ा है, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, रमज़ान के रोज़े मुबारक। अल्लाह ताला सबके घर में खैर बरकत अता करेंगे, जो भी तकलीफ परेशानी है आसान करेंगे। अल्लाह हर इंसान के घर में उसका रिज़्क पहुँचाएंगे। इबादत करने का महीना है या रब्बुल आलमीन, हर इंसान की सेहत तंदुरुस्ती अच्छी कर को, नमाज रोज़ा अल्लाह एक महीना सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। इस तरह से मैं सब कुछ एक ही बार जाके लेके आती हूँ। मुझे हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, भले मुझे कोई भी तकलीफ़ परेशानी हो, लेकिन मैं रिज़्क में कभी भी कम नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता खाना बनाने में, हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए मुझे, चाहे जेवर हो कम हो जाए चाहे कपड़ा कम हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने के किट भी लेके आई हूँ साथ साथ में। तो इसमें ही देखिए नेल कटर हो गया है, एकदम सॉफ्ट करने के लिए नाखून, और आके इसमें मैल निकालने का भी पूरा सेट आ गया है 140 रुपये में। तो घर का काम ख़त्म करने के बाद हम लोग थोड़ा सा मार्केट गए थे सब्ज़ी लाने के लिए। यहाँ पर देखिए इतना सब्ज़ी का मोल हो गया है। नींबू तो 10 रुपया ही एक, बहुत रेट हुआ है। अभी धूप काला चल रहा है ना, तो गीता भी आई है साथ में, देखिए वो भी ले रही है। उस उगादि का वीडियो था ये, वो वीडियो बना के रखी थी, अभी डाल रही हूँ। इसी वीडियो में ये भी ऐड कर रही हूँ मैं, देख लीजिए मार्केट का नज़ारा। ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಿನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗೀತಾ ಉಗಾದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟದು, ನಾಟಿನಾ ಇದು ನಾಟಿನಾ ಫಾರಂ ಬೇಡ, ನಾಟಿ ತಗೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ, 1 ಕಟ್ ಸಾಕು ना। यहाँ पर देखिए पूरी सब्जी सब कुछ लेके हो गया, थोड़ा बहुत ही लिए, ज्यादा कुछ रश ज्यादा था तो कुछ ज्यादा ले नहीं। Thank you.
मार्केट को आपने इस जोड़ में क्या लिया मैं मार्केट में किलो खसखसे काली जीरा काली जीरा है क्या पका रहे हैं एक पलक नहीं है अभी मैं बनाऊंगी इसकी चटनी रेड है क्या ये वाइट वाइट रेड वाला कौसा रेड आता नहीं रेड नहीं आता कैसा ये 50 रुपये ये 40 रुपये 50 वो निकल सौ को तीन देना है आता है हमारे को नहीं मिले तो और भी 60 रुपये बेचे कहाँ से आता है मैं कह रही हूँ सौ को तीन आता है क्या भी नहीं अच्छा ऐसा तीन डाल मिले तो 5 रुपये लास्ट टाइम पेपर अभी मैं खाऊंगी ना यूट्यूब में डालेंगे ना तो कितने लोग आके लेते हैं पता है नहीं तो आता सौ को तीन डालो डालो आता कभी भी आप ही के पास लेते हैं आता डालो जल्दी डालो ना डालो ಅದೊಂದು ಅದ್ಮೂರ तो अभी ये नेक्स्ट वीडियो आने वाला है सहरी का तो मिलती हूँ नए वीडियो के साथ मेरा वीडियो कैसे लगता है प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप मुझे दुआ में याद रखिए मैं भी आपके लिए दुआ ज़रूर करूँगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।